देखिए, ये एक ऐसा प्रयोग हुआ राजस्थान के अंदर, पिछली बार लगभग 30 लाख लोग थे, इस बार 60 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। आप सोच सकते हैं कि 60 लाख लोगों का पंजीकरण और 40% महिला उसके अंदर है, इतना माहौल शानदार बन रहा है राजस्थान के अंदर। आज के दिन का लोग इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ गया। देखा आज आपने यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साह क्या था, हमारे मंत्रीगणों ने भी भाग लिया कबड्डी मैच के अंदर। एक पूरे माहौल को हम चाहते चेंज करें राजस्थान के अंदर, जहाँ प्रेम सद्भावना भाईचारा हो आपस के अंदर, खेल को खेल की भावना से खेलें, उसी प्रकार की जीवन में वो जीवन पद्धति अपनाएं, तब जाके हम राजस्थान को 2030 की बात जो करते हैं उसमें युवा भी आता है। आज का युवा कल का यहाँ का कर्णधार होगा। हमारे युवा अच्छे साइंटिस्ट बने, हमारे युवा टेक्नोक्रेट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑल इंडिया सर्विसेज में जाएं, सोशल वर्कर बने। ये जो कई जगह मैं देखता हूँ, ये जो क्या कहलाते हैं वो मन चले, ये मन चले जो लड़के होते हैं ना, वो पूरा माहौल ख़राब करते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। तो हमने कल ही कहा डीजी पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को, सबको जो अधिकारी थे, कल रात को मीटिंग हुई थी, हमने कहा मन चले लोग जो है इनका इलाज करो, इनके नाम लिखो और इनके नाम भेजो आरपीएससी के अंदर और यहाँ पर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर। जैसे इन मन चले लोग जो घर की बहन बेटी आती है पढ़ने के लिए, उनकी बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ये माहौल जो राजस्थान में बनाया जा रहा है जानबूझ करके, जबकि राजस्थान बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, अब मणिपुर से तुलना करके बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। कुछ घटनाएं हुई है, हर राज्य में घटनाएं हो रही है, इनको मध्य प्रदेश की घटना नहीं दिखती है, जहाँ बीजेपी का एमएलए, पूर्व एमएलए का बेटा उसमें शामिल है। जोधपुर में 2-3 लड़के थे, एबीवीपी के लड़के थे, उन्होंने उस बच्ची का रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया, उसको इनकी जिक्र नहीं करेंगे। और बजरंग सेना बनी हुई है अलवर के अंदर, उसके कार्यकर्ता ने रेप किया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो रेप हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, इसमें हम सब मिलके समाज को शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें, परिवार में ध्यान रखें, बच्चियों का भी, बच्चों का भी, और उस ढंग से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि लड़की लड़के बिना पूछे हुए चले जाते घर से, भाग जाते हैं, नौबत आनी नहीं चाहिए। और परिवार के जनों को भी चाहिए कि बच्चों के ख्याल रखिए, उनके दिलों के अंदर क्या है, दिमाग में क्या है। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कई बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं, आप देख लो क्या क्या घटना हो रही है। ये तभी रुक सकता है जब माँ बापों का दिल बड़ा हो। अगर किसी ने मार लीजिए, किसी के लव अफेयर हैं, तो माँ बापों को चाहिए कि समझाइश करे, उनको छूट दे, शादी करने की छूट दे, अपना प्रतिशत प्रश्न बना करके जब वो बैठते हैं, बच्चे फिर आप देखिए गुस्से के अंदर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ब्यावर की घटना थी, लड़का लड़की दोनों माइनर है, दोनों चले गए जोधपुर और जा रहे थे अजमेर अहमदाबाद जा रहे थे, रास्ते में घटना हो गई। ये घटना अधिकांश इस कारण होती है, जिससे कि हम लोग उन बातों को स्टडी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम तमाम मीडिया वालों के सहयोग से भी, हम चाहेंगे इन घटनाओं का किस प्रकार से जो राजस्थान पुलिस ने काम करती है, जिस प्रकार 2-2 घंटे में 4-4 घंटे में अरेस्ट करती है मुजरिमों को, ये कोई कम बात नहीं है। कल भीलवाड़ा की घटना थी, 4-5 मुजरिम को रात को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस और क्या करेगी, ये तो करेगी। एक्शन करने में हिंदुस्तान भर के राज्यों में हम सबसे आगे हैं एक्शन करने के अंदर। घटनाएं कौन सा राज्य है देश के अंदर जहाँ घटना नहीं होती है, फिर भी क्योंकि मणिपुर को डायल्यूट करना केस को, जहाँ इन्होंने भारी ब्लंडर किया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने और अमित शाह जी ने, एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी करके, आज वहाँ 80 दिन 85 दिन हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है, रेप की घटनाएं मुख्यमंत्री मानता 100 से अधिक हो गई होगी, 3-4 हज़ार FIR दर्ज हो गई वहाँ पर, 2 समुदाय जो उसी स्टेट के हैं आपस में दुश्मनी पाले हुए हैं, उनके पास हथियार आ गए हैं, या तो लूट लिए हैं या पुलिस ने दे दिए हैं, AK-47 भी उसके अंदर शामिल है। उस राज्य से आप कंपेयर करो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को, ये पूरी तरह राजनीति है, इसको अस्वीकार करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी बोले चाहे कोई बोलो। हम चाहेंगे राजस्थान में हम लोग ध्यान रखेंगे और जो
जो मिस्चीफ़ लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने कड़े कड़े निर्देश दिए पुलिस को भी, ये मन चले टाइप लोग हैं या जो गैंग बनाए हुए लोग हैं जो जिस प्रकार से किडनैप कर लेते हैं, किसी कीमत में बर्दाश्त मत करो उन लोगों को। दूसरा, हमारे यहाँ चालान पेड बहुत टाइम पे होता है। हमारी कोशिश है कि भीलवाड़ा की जो घटना हुई है उसमें चालान जल्दी पेड हो, 8-10 दिन के अंदर। जल्दी रिक्वेस्ट करें कोर्ट के अंदर, 1 महीने के अंदर फैसला हो, चाहे जोधपुर का घटना हो चाहे वो भीलवाड़ा की घटना हो, तमाम घटनाओं पर सरकार बहुत इसको गंभीरता से ले रही है। तो सही सही बात है, वो तो एक प्रकार की कॉन्सपिरेसी थी। भारत जोड़ो यात्रा जब यात्रा निकली तो हाथ पैर फूल गए बीजेपी वालों के, ये क्या हो गया, हम तो इनको बदनाम करने के लिए कामयाब हो गए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो एक पर्सनलिटी होकर उभर गए देश के अंदर, ये कैसे बर्दाश्त करते बीजेपी के लोग। उन्होंने षड्यंत्र करके जो केस 1 साल पुराना था उन्होंने रुकवा रखा था हाईकोर्ट के अंदर, चालू करवा दिया उनके बाबर केस को, चालू करवा के फिर सजा ठुकवा दी 2 साल की। पूरी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी 2 साल की सजा किसी भी डिफेमेशन केस में नहीं हुई है, कल सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, ना उन्होंने कारण बताया क्या कारण से 2 साल की सजा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है मैं समझता हूँ वो सफिशियंट है पूरे देशवासियों को संदेश देने के लिए, ये किस स्तर के लोग हैं। आप राहुल गांधी को पार्लियामेंट से कैसे निष्कासित करें, उसको षड्यंत्र करके निकाल सकते हैं, ये वो लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जे उड़ रही है, देशवासियों प्रदेशवासियों को इन बातों को विश्लेषण करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ आज नहीं कर भुगतना पड़ेगा, हम सबको भुगतना पड़ेगा। ईडी, इनकम टैक्स, CBI अलग जो तांडव मचाए हुए हैं, अब धीरे धीरे वो भी समझ गए हैं कि सच्चाई के साथ दो। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे दुख इस बात का है जिन राज्यों में ACB काम नहीं कर रही है, एक राज्य UP है जहाँ किसी भी अधिकारी को अरेस्ट करने के पहले आप CM से परमिशन लो, मैंने सुना है। उन राज्यों में तो करप्शन है ही नहीं, क्योंकि आपको परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन मिलती नहीं है, आज तक किसी को परमिशन मिली नहीं है। जब परमिशन मिलती नहीं है रेड करने की, हमारे यहाँ ACB में कोई इंटरवेन नहीं करता है, कोई ना तो CM के पास में, ना गृह मंत्री के पास में, ना ACB मंत्री, मैं खुद हूँ, उनके पास आने जरूरत है। यहाँ कलेक्टर अरेस्ट हुए हैं, SP अरेस्ट हुए हैं, RPC के मेंबर अरेस्ट हुए हैं, मेयर के हस्बैंड अरेस्ट हो रहे हैं, IRS अरेस्ट हो रहे हैं, कई हमारे केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी पावर है ACB को, राजस्थान में जो काम करते हैं चाहे वो केंद्र सरकार के अधिकारी क्यों नहीं हो, उनको अरेस्ट करने की पावर भी ACB के पास में है, उसका हम पूरा यूज़ कर रहे हैं। जब पूरा यूज़ कर रहे हैं तो पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं लोग कि रास्ते में चक्कर में देखिए रोज पकड़े जा रहे हैं। अरे पकड़े जा नहीं, हम पकड़वा रहे हैं, हम पकड़वा रहे हैं उनको, उसको अप्रिशिएट करो। अगर थोड़ी बहुत में जमीन तुम्हें बाकी बचा तो आप जनता को गुमराह कर रहे हो। जनता बहुत समझदार समझती है, और राज्यों में ना छापे पड़ते हैं, हिंदुस्तान में एकमात्र ACB राजस्थान की है जिसने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो हम लोगों के मोटिवेशन लिए किए हैं, हम लोगों ने पूरी फ्रीडम दे रखी इसलिए किए हैं, ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ।